लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता सवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए आज पूरा हिंदुस्तान एकजुट दिखा। जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए लोगों ने आज घरों में रहने की ठानी। आज सड़कें सुनी, बाजार में सन्नाटा पसरा दिखा। लोग घर में बैठकर बेहद धैर्य का परिचय देकर कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोक रहे हैं। इसके साथ ही लोगों ने घरों में रहकर ताली और थाली बजाकर उन लोगों को आभार भी जताया जो कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए मोर्चा थामे हुए हैं। शाम 5 बजे से ही देश के कोने कोने में लोगों ने अपने घरों में पीएम की अपील के बाद ताली थाली और घंटी से आभार जताया। इसके साथ ही लोगों ने शंख भी बजाया। आप देख सकते हैं कि देश भर में जनता कर्फ्यू के बावजूद जो लोग बाहर दिखे तो पुलिस ने किस तरह उन लोगों को आदेश का पालन ना करने पर लाठियों से सबक सिखाया और लोगों से अपील की कि वो देश के हित में आदेश का पालन करें। जनता कर्फ्यू सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक था। अब इसको बढ़ाकर महाराष्ट्र में कल सुबह तक कर दिया गया है। धारा 144 लागू है महाराष्ट्र में। 5 से ज्यादा लोग जमा ना हो, 31 मार्च तक रहेगा लॉकडाउन। वही आपको पता ही चले कि कोरोना वायरस ने भारत समेत पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। विश्व भर में कोरोना वायरस से 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं, जबकि 13,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस से 380 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ट्रेनों और मेट्रो का परिचालन भी बंद कर दिया गया है। भारतीय रेल ने 31 मार्च तक सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन बंद करने का निर्णय लिया है। मुंबई से मुमताज जवेरी की रिपोर्ट, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते समय मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती है। अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल @gmail.com पर, या हमारे वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं www.indialiveNews.co.in पर। नमस्कार।